हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ लगभग 1 बजे, क्योंकि खाना अभी जस्ट बना है। मैंने सोचा आज लेट ही बनाती हूँ, जल्दी से खाना निपटा दूँगी। और खाने में मैंने बनाया है आज दाल, कल जो मैंने पनीर टिक्का बनाया था उसका जो मैरिनेशन रह गया था उसका पनीर टिक्का मसाला बनाया है, रोटी और चावल। और यहाँ पर मेरी यू बैठ के खाना खा ली है। कैसी है दाल? अच्छी है। अच्छी है। तो आज यू आएगी मेरे साथ शॉप पर, तो जल्दी से कर दूँ मेरा खाना ख़त्म और फिर चलना है शॉप पर। तो ठीक है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ, फिर जाना ही हमको। अभी मैं निकली थी शॉप पर जाने के लिए, पर ऐसा हुआ है कुछ हादसा, चलिए दिखाते हैं क्या हुआ है। हम करने आए थे यश की और विक्कू की हेल्प, क्योंकि यश और विक्कू दोनों जने ऋषभ देव आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी में हो गया पेट्रोल ख़त्म और हम लेके जा रहे हैं पेट्रोल। और हमारे पास है इलेक्ट्रिक गाड़ी, हमारी गाड़ी की यानी बैटरी लो होने आ गई है। हमारी भी बैटरी लो हो गई है। हम हेल्प करने आए थे यश की, क्योंकि यश की गाड़ी की हो गई है फ्यूल हो गया खत्म। पर तुम भी ऐसी गाड़ी लेके निकले, तुमको कुछ हो ही नहीं? अरे यार ये पागल है, क्यों नहीं मिलता है? मेरे को, मैं तो 2 दिन था नहीं, मेरे को लगा भराया होगा। तो शो भी तो होता है, नहीं होता है क्या? गाड़ी कितनी चली पता नहीं चले, और हमारी गाड़ी की हो गई है बैटरी लो। अब इनको टो करने के लिए आए थे, अब हमको ही टो करके लेके जाना पड़ेगा। हाँ करो, बिक्कू को बैठा दो आगे पीछे। हाँ चलिए, दोनों ब्लॉगर जाएंगे अब एक ही बाइक पे, और सपोर्टिंग आर्टिस्ट जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पे। एक सेकंड रुक जा। अभी वो तो है नहीं, और क्या नज़ारा है जबरदस्त का, ये चारों तरफ ये जा रहे हैं आगे विक्कू और चिकू दोनों। गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसकी बजा रहे हैं बैटरी, क्योंकि चलन था पूरी गाड़ी बंद कर दी और चल रही है। वहाँ 150 किलो वजन जा रहा है आगे वाली गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी क्यों नहीं भागेगी। अभी आ गई हूँ मैं शॉप पर और मेरा एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। ये ग्रीन टी मास्क आया है, इसका आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, अगर आप कोई भी ऐसी साइट चलाते हो तो एक ग्रीन कलर का स्टिक होता है, वो फेस पे लगाते हैं फिर सारे ब्लैक हेड्स है वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसको हम ट्राई करेंगे, इसके ऊपर बनेगा प्रॉपर एक ट्यूटोरियल, तो इसको मैं आज यूज़ करूँगी। देखते हैं अगर जैसी वीडियो में बता रहा है वैसा काम करता भी है कि नहीं करता है। इससे एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी है, और मैंने बहुत टाइम हो गया क्लीनअप नहीं किया, यानी मैं घूम के आई हूँ इसके बाद तो मैंने किया ही नहीं है, तो डर्ट वगैरह भी है, वाइट हेड्स भी थोड़े से नाक पे आ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट उसी से पता चलेगा। चलो अब अंदर जाके चेक करेंगे इसको। ब्लॉग में बने रहिए, इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू मिलेगा, काम करता भी है कि नहीं करता है दोनों पता चलेगा आपको। अभी मैं आई हूँ सैलून में, और सैलून में हमारे पास कौन आई है? यूरानी खलियों के बता दो। चलो आपको क्या क्या करवाना है? ना मेरे को ना बाल कटिंग करने दिए। क्यों? लंबे लंबे हो गए ना। अच्छा ठीक है, आपके बाल कटिंग कर देते हैं। ओके हाँ, फिर मैं शैम्पू वैम्पू लगा के वापस बाल कर दूंगी। ओके हले यहाँ से तो अभी होंगे हमारे यूके हेयर कट, पर पे तो आपके तो आओगे ही नहीं, आप खली हो जाओ थोड़ी सी। अब पीछे ऐसे शेव कर दो। ओह ठीक है,
मैं शैम्पू लेके आ गया। पता चल गया कि आप कैसे धोती हो बाल। ये कौन सा शैम्पू है? ये शैम्पू आपके बाल सॉफ्ट करने का है। इसमें तो बाल मतलब ना आईज भी खुली लग सकते हैं। हाँ क्योंकि आईज खराब नहीं होती इसमें। थोड़े और लुक बुला जा बेटा। और लुक बुला हाँ लुक नहीं जाएगा। ऐसे करो कि कपड़े पिक जाएंगे। और लुक बुला थोड़े। पीछे आ जाओ, पूरे पीछे आ जाओ। पालती लगा के यहाँ बैठ जाओ। जो तो हेयर कट कैसे होगा फिर? मैंने हाथ भी बांध दिए। आओ ये क्या कर रहे हो? बाल अंदर नहीं घुस जाएंगे करके। हाथ भी बांध दिए मैंने। कुछ तो बालों में मैं अच्छी दिखती हूँ ना। तो बालों में मेरे तो गुच्छे है ना, इसकी वजह से निकल जाते हैं। सीधा देखना है ना बेटा। हिला है कंगा लगा ले तो। खुजली करो ना यहाँ। कहाँ पे? यहाँ। ऐसे क्लाइंट आने चाहिए, खुजली भी करवाते हैं हमसे। क्या कर लियो? ये आपके बालों को सिक्योर कर रहे, गुच्छे नहीं बनेंगे यूं करके। क्या है? यहाँ पे भी काटोगे क्या? यहाँ का नहीं, आगे वाले नहीं कट करेंगे ज्यादा। सीधे 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 कैची से काटो भी कभी है ना, ऐसे ही करती रहोगी। कैची से भी काट रही हूँ, शांति रख माता। ज्यादा कटे थोड़े ही कटे, थोड़े से कटे। हाँ इतने कटे इतने। हाँ दोनों हाथों में भी आ गए। सुंदर सी परी के बाल कट चुके हैं। रुको बेटा पीछे से बता दूँ। आगे रहो, सीधे रहो। हियो देखो कितने प्यारे प्यारे बाल कटे। देखना पकड़ना, मस्त लग रहे ना। क्या बेटा सीधे बैठो ना एकदम सही ऐसे। हाँ ऐसे रहो, ऐसे ये रहो। हमारी हियो हेयर कट करवा के सो गई है, अब इसको उठानी पड़ेगी। यू ही यू बेटू चलो अपन गर्ल जा लें। यू आजा बेटा अपन गर्ल जा, देखो व्लॉग बना ले अपन, गर्ल जाएंगे फिर। रात हो गई है तो क्या, अभी तो हमारे बाल भी कट गए, बहुत सुंदर भी दिख रहा है मेरा यू। क्या बेटू बाल चेक कर लो आपके? बाप रोट लो नींदर में। चलो अब गल जाले है ना। ओ वाओ कितनी अच्छी लग रही है। चल वीडियो बता दे, देखो तेरे के बाल कैसे लगे। ये हमारी स्कोविया आ गई है, सकोविया। किसको? हाँ हियू हमारी नींद में ही घर आई है, अभी इसको सोई सोई करवाएंगे। आ जाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर पर, और घर पर आने के बाद हमने कट किए केकोड़े, केंकोड़े। ये हमारे यहाँ पर राजस्थान की स्पेशल सब्जी है, यानी ये सिर्फ अभी बारिश में ही मिलती है और ये जंगल में उगती है, यानी इसको जंगली सब्जी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप उगती है किसी भी जगह पर, और ये जहाँ पर भी उगेगी वहाँ यूँ कहते हैं पूरी ज़िंदगी उगती है जब तक यानी वो है। अब पता नहीं किसने देखा। और यहाँ पर मेरी बेटी है हियू रानी, और हम बनाएंगे खाना। यहाँ से भी हिया साइड से भी जाते हैं ना।
अभी खा लिया है हमने खाना वगैरह और भैया भाभी आ गए जैसे कि बाहर गए थे तो, और सब जने मिलके बातें कर रहे थे तो कैसे लेट हो गया पता ही नहीं चला। और हाँ, आज मैं एक और चीज़ भूल गई, जो मैंने ग्रीन टी क्ले मास्क मंगवाया था वो स्टिक वाला, वो मैं यूज़ नहीं कर पाई, तो मैं कल के ब्लॉग में यूज़ करूँगी तो आपको पता चलेगा कैसा है। और अभी खाना वगैरह सब हो ही गया है तो अब स्टैंड वगैरह क्लीन कर देती हूँ एंड देन फिर सोती हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय।